जब आप कस्टमर केयर पे फोन लगाओ तो फटाक से आपका फोन उठा ले, उसके लिए क्या करना चाहिए? इन दोनों में से क्या आसान है, किसी चीज को धक्का मारना या खींचना? जब नाम एक है और डीपी में लड़कियां दो है तो पूछे बिना पता कैसे लगा कि ये नाम वाली लड़की डीपी में कौन सी है? या फिर जब कुत्ता आपके पीछे भागे तो आपको भागना चाहिए भागना चाहिए? एंड मेनी मोर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, यू नो जब आप कस्टमर केयर पे फोन लगाते हो तो यूजुअली पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कौन सी भाषा में बात करनी है। जैसे आपने महाराष्ट्र में किसी कस्टमर केयर पे कॉल किया तो यूजुअली आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं कि हिंदी में बात करनी है, मराठी में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। तो ऑलवेज चूज मराठी ओवर हिंदी, क्योंकि हिंदी में बात करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप भी हिंदी भाषा चूज करोगे इसका मतलब आप एक बहुत ही लंबी और बिजी लाइन में कॉल कर रहे हो। तो ऑलवेज चूज मराठी ओवर हिंदी अगर आपके पास ऑप्शन है तो। और जैसी तैसी टूटी फूटी इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो हमेशा इंग्लिश चूज करो जब आप इंडिया के कस्टमर केयर पे कॉल करो, ताकि आपका कॉल जल्दी से पिकअप हो जाए। क्योंकि इंग्लिश में बात करने वाले लोग हिंदी में बात करने वाले लोगों से बहुत ही कम होंगे। मतलब आप एकदम फ्री लाइन पे कॉल कर रहे हो जहाँ पर आपका नंबर जल्दी से आ जाता है। तो व्हेन कॉलिंग कस्टमर सर्विस ऑलवेज चूज लीस्ट कॉमन लैंग्वेज। नंबर दो, देखो आपका फोन या कैमरा किसी स्ट्रेंजर के हाथ में नहीं देना चाहिए फोटो खिंचाने के लिए, और आपको लगता है कि वो इंसान आपसे ज्यादा फास्ट भाग सकता है। नंबर थ्री, अगर आप कार चला रहे हो और बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई है कि आपको वाइपर्स ऑन करने पड़े तो उसके साथ हमेशा हेडलाइट भी ऑन कर देने चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। नंबर फोर, देखो हमारी आंखें मुंह पे होती है, पीछे टकले पे नहीं, इसलिए अगर हमें किसी एक चीज को दूसरी जगह लेकर जाना है तो हम यूजुअली धक्का मारते हैं, उसे खींचते नहीं, क्योंकि आगे देखकर चलने में कंफर्टेबल फील होता है। बट आसान क्या होता है? खींचना। अब बोलो क्यों भाई? तो भाई जैसे हम इस बॉक्स को धक्का मार रहे हैं F फोर्स के साथ, तो ये हमारा टोटल फोर्स है जो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में F cos ऑफ थीटा एंड वर्टिकल में F sin ऑफ थीटा। पर इन दोनों में से सिर्फ एक ही बॉक्स को धक्का मारने में मदद कर रहा है और वो है F cos ऑफ थीटा, जबकि F sin ऑफ थीटा फोर्स जमीन पर लग रहा है तो आपके बॉक्स को धक्का मारने में मदद नहीं करेगा, उल्टा वो आपके बॉक्स के ओरिजिनल वेट में ऐड हो जाएगा। अब ज़्यादा वजन मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन, और ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बॉक्स को धक्का मारने में। पर जब आप बॉक्स को खींचते हो तब टोटल फोर्स इन डायरेक्शंस में डिवाइड होते हैं, F cos ऑफ थीटा आपकी तरफ जो आपको बॉक्स खींचने में मदद करेगा, और F sin ऑफ थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये बॉक्स के ओरिजिनल वेट में ऐड नहीं होता, जिससे ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता और बॉक्स को खींचने में आसानी होती है। तो कंफर्टेबल क्या है हमारे लिए? बॉक्स को धक्का मारना। आसान क्या है? खींचना। नंबर फाइव, यू नो किसी एरिया में से आप चल के जा रहे हो, कुत्ता साइड में बैठा है वो आपको देखते ही भौंकने लगता है और आपकी तरफ चार्ज करने लगता है। इट यूजुअली मींस वो कुत्ता अपने एरिया को डिफेंड कर रहा है और वो आपको काटेगा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जो कुत्ता भौंकते हुए आपकी तरफ चार्ज कर रहा है वो अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहा है और वो आपको काटेगा नहीं अगर आप चुपचाप वहां से कट लोगे तो। और जो कुत्ता भौंके बिना आपकी तरफ भागता है वही कुत्ता आपको काटता है। नंबर सिक्स, जब कोई लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और इसके डीपी में दो लड़कियां हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि इन दोनों में से किसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, तो हमेशा याद रखो कि इन सिचुएशन में उन दोनों में से लीस्ट ब्यूटीफुल लड़की ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। जब आप किसी लड़की से पूछोगे या तेरा फोटो दिखा और वो आपको फोटो भेजे जिसमें दो लड़कियां हैं तो कन्फ्यूज होने की या उसे पूछने की जरूरत नहीं कि इन दोनों में से तू कौन है। समझ जाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम उन दोनों में से लीस्ट ब्यूटीफुल लड़की वो होती है।